राजधानी में जल संकट के बीच सियासी वावा अभी बढ़ गया है। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर भोगल के जंगपुरा स्थित सैनी चौपाल में शुक्रवार से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। अनशन के तीसरे दिन आतिशी ने दिल्ली वालों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हथनी कुंड में पानी भरा हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली के हक के पानी पर हरियाणा सरकार ने ताला लगाया है। जब तक दिल्ली की जनता को उनके हक का पानी नहीं मिल पाता, तब तक मैं पानी सत्याग्रह जारी रखूंगी। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे, वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से देंगे। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सब ने फोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन